और भाइयों, क्या हाल हैं आप सब लोगों के? मज़े में सब? होपफुली आप सब मज़े कर रहे होंगे। तो मैं अपने दोस्त के फार्म पे आया हुआ था सूरत में, और काफ़ी सारी नई चीज़ें यहाँ देखने को मिली, क्योंकि मैंने तो अपना बायोफ्लॉक का सिस्टम अभी बंद किया हुआ है, तो काफ़ी टाइम से कुछ रिसर्च भी नहीं कर रहा था मैं उसके ऊपर। तो इसने मेरे को बुलाया था क्योंकि इसने अपने जो टैंक्स हैं उनमें प्लैंकटन्स को बढ़ाया है, प्लैंकटन्स की ग्रोथ बढ़ाई है, जो कि फ़िश फार्मिंग जो लोग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मछलियों के लिए कितना सही आहार है वो। उससे बढ़िया फूड मछलियों के लिए नहीं हो सकता, ठीक है? और नेचुरल फूड है, और उससे आपकी FCR भी कम आएगी, ठीक है दोस्तों? अब तक देखिए बायोफ्लॉक में किसी भी ने भी नहीं बताया कि हमारे जो बायोफ्लॉक टैंक है उसके अंदर प्लैंकटन्स की पैदावार होती है। एक वीडियो शायद मैंने ससमल जी का देखा था, तो उसमें उन्होंने भी प्लैंकटन्स का जिक्र किया था, लेकिन इतना डिस्क्रिप्शन ही बताया नहीं उन्होंने कि कैसे इसमें होती है और क्या इसके फ़ायदे हैं। और ये देखिए, इसमें आप प्लैंकटन्स देख सकते हैं इसमें। अब आपको छोटा छोटा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े टाइप के आपको दिखाई देंगे। अभी वीडियो स्टिल हो जाएगी तो आपको दिखाई देगा। और ये इन्होंने फ्रेश वाटर के अंदर बनाया है, और ये इनका कल्चर अलग से भी करके रखते हैं, जिससे कि ये मछलियों को फीडिंग दे देते हैं, फीडिंग के रूप में देते हैं मछलियों को। इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए छोटे छोटे कीड़े मूवमेंट दिखाई देगी आपको। तो इनको दोस्तों प्लैंकटन्स कहते हैं। ये भी बायोफ्लॉक टैंक के अंदर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको जो बायोफ्लॉक का टैंक है उससे भी पानी लेके दिखाऊंगा। इसके अंदर तो ये श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं ये। और ये देखिए, ये इनके बायोफ्लॉक टैंक के अंदर भी प्लैंकटन्स मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि जो हर कोई भी कीड़ा टैंक में घूम रहा है वो प्लैंकटन्स होता है। प्लैंकटन्स को भी हार्मफुल प्लैंकटन्स भी होते हैं, हर कीड़ा भी प्लैंकटन नहीं होता है, तो ये भी होना है। इसमें अंदर हार्मफुल प्लैंकटन्स भी जनरेट हो जाते हैं, उस पर भी आपको गौर करना है। वो सब भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों? आप इस वीडियो में भी देखिए, छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे। सनलाइट में ला दो थोड़ा सा। ये देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्लैंकटन्स मौजूद है, इससे भी आपकी FCR बहुत कंट्रोल होती है। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों? और आगे आप वीडियो एंजॉय कीजिए। इनकी फार्म की मैंने और आगे वीडियो डाली है, इसमें मछलियों का ग्रोथ भी आपको दिख जाएगा कितना अच्छा हो रखा है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मजे कीजिए। Where was I when the rockets came to life and carried you away into the alligator sky? Even though I'll never know what's happening, I'm never letting go, I'm never letting go. That's not a plane, that's me. I'm sitting where I'm supposed to, floating on the cloud, can't nobody come close to. The concrete in the sky switch places, so now my ceiling is painted with cosmic spaces. Flying cracking to the moon, keep your eyes shut. Blasting off like a rocket from the ground up. Ha, I used to catch a cab on the Monday, now a taxi, selling lights on the runway. Fly, fly. A condo on the Milky Way, a house on the cloud, and God's my landlord. And for my rent, all I pay is my drive. I got that, so if you need me, you can find me in the alligator sky. When the rockets came to life and carried you away to the alligator sky, to the alligator sky. Even though I'll never know what's up ahead, I'm never letting go, I'm never letting go. Yeah, roller coaster.
same dream like I never dreamed or tried to, cause we've been lied to that the sun is something that we can't fly to. Well, I sit on my star and see street lights. Look up high, you miss me if you blink twice. Imagination is high, and if you got it, you can meet me when you see me in the alligator sky. Where was I when the rockets came to life? Boom. And carried you away into the alligator sky. Into the alligator sky. Even though I'll never know what's up ahead, I never know. I'm never letting go. Never let go. I'm never letting go. Owl City. Where was I? Look up, you miss me if you blink.